आराम से बैठे रहते हो, तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है। अरे ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे घर में हमारी शादी की योग बेटी हो चुकी है, तो सुंदर सा लड़का देख करके शादी करनी चाहिए। भीष्मक ने सुना, कहने लगे रानी, अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मैं तो आज खुद ही बैठा बैठा ये बात सोच रहा था कि मैं और ये 50 रुपए हमारे बाबा जी हमें सम्मानित कर रहे हैं। तो महाराज जब आप दिया रानी, चिंता न करो, आज ही जाएंगे दरबार में, अपनी बेटी के लिए सुंदर सा लड़का तलाशेंगे। जवाब दिया है ठीक है। तो महाराज भीष्मक उसी समय महलों से दरबार में पहुंचे, जाकर के दरबार में ऐलान कर दिया है कि आज जितने भी मुकदमा हैं सब रद्द किए जाएंगे, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, और आज हमारे घर में जो हमारी बेटी शादी के लिए है योग हो चुकी है, तो आज हमें अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा लड़का तलाश करना है, और तुम सभी आज पूरा दरबार यहाँ लगेगा, आप सभी सुन लो, अगर आप सभी की नजर में कोई किसी की नजर में अगर कोई सुंदर लड़का हो जिसके अच्छे विचार हो, देखने में भी सुंदर हो, तो वो हमें बताए, हम अपनी लड़की के लिए देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो अपनी लड़की की शादी कर देंगे। और ये इसी बीच में एक रुपए सजित उर्फ काका नौली से हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे सुख और शांति की। तो महाराज आज उसी समय महाराज भीष्मक का दरबार लगा है, सभी बैठे हुए हैं और महाराज भीष्मक गद्दी पर बैठे हैं, एक एक करके सभी को लड़की के लिए लड़का पूछते हैं। बताया जाता है कि दरबार के लोग एक एक खड़े होकर के और महाराज भीष्म को लड़का बताने लगे हैं। कैसे बता रहे हैं?